कोई टिकट कटने से परेशान तो कोई मिलने से हैरान। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आ गया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों की 3 सूचियों में 80 नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव को टिकट दिया है। कांग्रेस इसे अभी से हारने का डर बता रही है, तो वहीं जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं उनमें नाराजगी है और बगावत के संकेत दे रहे हैं, जबकि कुछ नेताओं को टिकट मिलने पर हैरान और परेशान देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सतना जिले की मैहर विधानसभा सीट से। बीजेपी ने इस बार टिकट में बदलाव किया है। पार्टी ने 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं। टिकट में बदलाव का असर भी देखने को मिला है। नारायण त्रिपाठी ने शीर्ष नेतृत्व पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, मेरी तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं ना उस दौड़ में था और ना मुझे कोई लेना देना था। मैं विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई अलग राज्य बन जाने तक जारी रहेगी। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। कैंडिडेट घोषित करने वाले नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा नारायण त्रिपाठी ने ये भी कहा कि यदि इतने सीनियर सांसद, नेता, मंत्रियों को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है, तो फिर मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या अपराध था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया? यह सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या विधायक सरपंच का चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया है? ये भी सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र, युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीधी की, जहां के विधायक भी नाराज हैं। भाजपा ने एक और विधायक केदारनाथ शुक्ला का भी टिकट काटा है। शुक्ला 4 बार से एमएलए हैं और सीधी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। केदारनाथ शुक्ला की जगह सीधी की सांसद रीति पाठक को पार्टी ने टिकट दिया है। माना जा रहा है कि सीधी में हुए पेशाब कांड के बाद से भाजपा शीर्ष नेतृत्व शुक्ला से नाराज था। इस घटना के आरोपी का नाम शुक्ला के करीबी के तौर पर जोड़ा गया था। हालांकि अब टिकट काटे जाने पर उनकी तीखी प्रतिक्रिया, ऑडियो क्लिप वायरल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इंडिया पोस्ट न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। शुक्ला ने कहा है कि आज हजारों की संख्या में मेरे कार्यकर्ता घर आए, मैंने सबको एक सप्ताह का समय दिया है। एक सप्ताह में कार्यकर्ताओं की जो राय होगी, मेरे खिलाफ सारे मुद्दे ख्याली पुलाव थे। मैं नहीं समझता हूँ कि हाईकमान में बैठे लोग यह नहीं जानते कि क्या उचित है और क्या अनुचित। सीधी से सांसद को टिकट देना उचित नहीं है। मध्य प्रदेश में हारने वालों में नंबर 1 पर रहेंगी, लेकिन भाजपा ने टिकट दिया है तो क्या कर सकते हैं? फिलहाल टिकट कटने के बाद शुक्ला का अगला कदम क्या होगा, अब इस पर सबकी निगाह है। वहीं दूसरी ओर राजेश मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काट दिया है। उनकी जगह जालम के भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जालम की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया है और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुझे पहली बार विधानसभा चुनाव का अवसर देने के लिए बीजेपी और संसदीय बोर्ड समेत मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी नेताओं का आभार। बीजेपी ने इंदौर 1 विधानसभा सीट से
कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया है। खुद को टिकट दिए जाने पर कैलाश विजयवर्गीय लगातार हैरानी जता रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, आप सभी को कैलाश विजयवर्गीय बनकर काम करना है। एक रिकॉर्ड जीत यहाँ पर होना चाहिए, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। इसलिए मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी, 1% इच्छा नहीं थी, एक माइंडसेट होता है लड़ने का। बड़े नेता हो गए हैं, अब हाथ पांव जोड़ने कहाँ जाएंगे, अपने को तो जाना है और भाषण देना है, फिर निकल जाना है। हमने तो यही सोचा था। सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एक परसेंट भी इच्छा नहीं थी। एक माइंड सेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण अब बड़े नेता हो गए, हाथ हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मेरा मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। इसके अलावा यदि बात करें मध्य प्रदेश के मुरैना सीट की, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जिले की दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। एक दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर से जब सवाल किया गया तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। अब ग्वालियर में तोमर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या फिर अन्य व्यक्ति, पहले वह पार्टी का कार्यकर्ता है। केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय किया है तो चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से कांग्रेस भयभीत है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। इसके अलावा सतना से सांसद गणेश सिंह को टिकट दिया गया है। संगठन के निर्णय पर स्थानीय तौर पर निराशा देखने को मिली है। बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जबकि अगर मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करें तो जबलपुर पश्चिम से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी सांसद राकेश सिंह। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के प्रति विश्वास के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गौरतलब है कि 2 बार से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते एमपी विधानसभा सीट में उन सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे जो 2018 में कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 4 अन्य लोकसभा सांसदों में से 3 भी पिछले चुनाव में हारी सीटों से दम भरेंगे। सिर्फ नरसिंहपुर सीट बीजेपी के कब्जे में है, जहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे। जानकारों का मानना है कि चुनावी दौड़ में बड़े नामों को टिकट देकर पार्टी ने समर्थकों के बीच एक संकेत दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया है, जिन्हें लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में शामिल देखा गया। जानकारों का ऐसा कहना है कि पार्टी ने विजयवर्गीय समेत अन्य सभी दिग्गज नेताओं को इस चुनाव में अपनी क्षमताएं साबित करने का मौका दिया है। नवंबर दिसंबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर सभी क्षेत्रीय छत्रपों के लड़ने से पार्टी को उम्मीद है कि इसमें गुटबाजी कम होगी और सीटें बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।